In this video, we will discuss about some of the important topics of business economics, a subject which is very important for your CS foundation examination. अब इसमें हम लोग बाय टॉपिक एंड चैप्टर बाय चैप्टर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि अगर आप मेनली पेपर में कवर करें, मोस्ट ऑफ द फोकस उस पर रखें, तो जो बेसिक कवर होते हैं क्वेश्चंस पेपर में वो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और पेपर को क्रैक कर सकते हैं. अब हम बिगिन करते हैं चैप्टर वन से, जो कि बेसिक्स के बिल्कुल बारे में बात कर रहा था. उस चैप्टर के बारे में हमने इकोनॉमी के सारे बेसिक्स देखे थे. कुछ उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले मैं टॉपिक्स पहले डिस्कस कर लेती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. टू बिगिन विद, सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं. डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, और इसके अंदर हमने बेसिकली चेक किया था कि चार डेफिनेशंस हैं जो बहुत मेन है. अगर आप मॉड्यूल को स्टडी करेंगे तो वहां वेल्थ डेफिनेशन, अगेन वेलफेयर, उसके बाद एक स्कार्सिटी डेफिनेशन डील करती है और एक ग्रोथ की डेफिनेशन है. अब अगर मैं इस टॉपिक को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो आपको डेफिनेशंस तो कम्प्लीटली पता होने चाहिए कि हर डेफिनेशन में क्या कवर होता है. ऑल्सो द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है. से फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके साथ साथ एक क्वेश्चन टाइप भी डिस्कस करूँगी और इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, मैच द फॉलोइंग. अब एक साइड पे वो आपको दे देंगे ये सारी वेल्थ डेफिनेशन, अगेन सब कुछ ऐसे ही लिख के, स्कार्सिटी, वेलफेयर एंड अगेन ग्रोथ. अब जब चारों डेफिनेशंस के नाम यहाँ लिख दिए गए तो हो सकता है यहाँ पे वो इकोनॉमिस्ट के नाम लिख देंगे जंबल लाउंड करके. फॉर एग्जांपल अल्फ्रेड मार्शल या कुछ भी. अगर मैं तीन डेफिनेशंस ही लेती हूँ यहाँ पे और चार ऑप्शंस हैं तो वो मैच करके कुछ किसी हिसाब से आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है. से फॉर एग्जांपल अभी मैं हिग्स का नाम ले रही हूँ, कुछ भी मैं एक लेमली ले रही हूँ, बट इसके आपको नाम एंड ऑल्सो द ईयर फॉर्मुलेटेड जब उन्होंने बनाया या जो भी, वो भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आ सकता है, जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर दैट कि आपको मैच करना है. से फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस होंगी 1, 2 एंड 3 एंड यहाँ पे वो ए बी सी लिखते हैं, तो आपको नीचे ऑप्शंस दी होंगी कि फर्स्ट का सी आंसर है, से फॉर एग्जाम्पल सेकेंड का बी आंसर है. अब ऐसी चार ऑप्शंस होंगी जिसमें से हमें एक को टिक करके उनको बताना है कि कौन सी डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट के थ्रू फॉर्मुलेट की गई है. अब ये इसका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ. सिमिलरली एक और भी क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ईयर्स पे भी हो सकता है फोकस करे कि ये वाला ईयर के अकॉर्डिंग कौन सी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी गई है. मेन पॉइंट इसमें ये समझना है कि ये डेफिनेशंस के एक्चुअली में कोर एलिमेंट प्लस जिस इकोनॉमिस्ट ने वो दी है उसकी डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. फिर सेकेंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर मूव करते हैं, जो कि नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है. अगेन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें साइंस एंड आर्ट भी इंक्लूड हो जाता है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर इसका भी एक क्वेश्चन डिस्कस करें तो वो कुछ इस टाइप का हो सकता है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में. वो इसमें ये लिख सकते हैं, व्हाइल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कंसर्न इज, तो उसमें आपको उस चीज़ को आंसर करना होता है. या कुछ भी लिख सकते हैं कि एडम स्मिथ फोकस्ड ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मीन्स कि क्या उन्होंने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था, बी पॉजिटिव पे, सी वुड बी बोथ एंड डी नन. तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको आंसर करना होगा कि एडम स्मिथ, अगर आप अगेन मॉड्यूल प्रॉपरली स्टडी करें तो उसमें क्लियर होगा, क्लियर कुछ वर्ड्स में मेंशन है कि एडम स्मिथ ने कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स को फोकस किया था और किस पे उनका ज़्यादा फोकस था. अब ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया. फिर एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द इकोनॉमिक्स टाइप इज मोर रियलिस्टिक इन सेंस कि नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, साइंस एंड आर्ट. तो अगेन आपको इन चारों में से बताना होगा कि कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो मोर रियलिस्टिक है इन सेंस. उसके बाद एक और आ सकता है क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरीज, तो वो कौन सा होगा, अगेन पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, बोथ, नन ऑफ द अबव. तो अगेन उसमें भी आप एक ऑप्शन टिक करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव होता है इसका आंसर. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में ज़रूर मिल जाते हैं.
इस टॉपिक को लेके, अगेन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको डिटेल्स में धीरे धीरे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जब आप उसको स्टडी करें अपने मॉड्यूल को, पढ़ना सब कुछ है बट इस पे आके थोड़ा स्टॉप लगा के धीरे धीरे पढ़ें ताकि ये चीज़ बहुत अच्छे से आप ग्रास्प कर पाएं। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, अगेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC कर्व, इसके साथ ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक छोटा सा टॉपिक एडअप होता है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं बहुत प्रॉपरली कि इसकी दो कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं वो क्या हैं, रिसोर्सेज एंड लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, टेक्नोलॉजी इज़ लिमिटेड, या रिसोर्सेज आर मूविंग कि मतलब टाइम टू टाइम चेंजिंग बट टेक्नोलॉजी इज़ डिग्रेडेड, कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका बेसिक आंसर अगेन उसी चीज़ पे फोकस करते हैं अगर आपने मॉड्यूल में स्टडी की है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के दो अजम्पशंस हैं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बारे में जो कॉन्स्टेंट चलती हैं। इसके बारे में ये एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसी चैप्टर का है, वो अगेन प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जिसको मैं डील करती हूँ, वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, रिसोर्स एलोकेशन इज अ फीचर या इज अ प्रॉब्लम ऑफ विच ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि रिसोर्सेज एलोकेट करना वो किस चीज़ में इंक्लूड होता है, तो वो व्हाट टू प्रोड्यूस का फीचर है। अब एक और चीज़ आ सकती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस फोकसेज ऑन व्हाट, रिसोर्सेज अलोन, टेक्नोलॉजी, इस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में मेन फोकस हमारा रिसोर्स एलोकेशन पे होता है, उसी क्वेश्चन टाइप को दो तरह से पूछ सकते हैं, या फिर इसमें यह भी पूछ सकते हैं कि हु या विच इकोनॉमिस्ट फोकस द नीड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन चार इकोनॉमिस्ट के नाम दे देंगे, तो पॉल सेमिलसन ने बोला था कि हम इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स जो हैं बेसिकली इसके साथ अगर स्टडी करें तो उससे फोकस क्लियर हो सकता है। अब अगेन यही अगर मॉड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके टॉप के ही कुछ लाइन्स में दिया होता है कि दिस इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी विद दीज थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स इफ वी आंसर दीज। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकती हैं। अगेन द फोकस शुड बी कि आप प्रॉपरली मॉड्यूल को पढ़ें, बट ये कुछ चैप्टर वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर इसको आप अच्छे से करके जाएंगे तो बहुत इजीली चैप्टर वन के क्वेश्चंस को आप अपीयर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब मूविंग ऑन टू चैप्टर टू जो कि बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में फोकस करता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले लिखते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर टू जो डिस्कशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस कर रहा था, अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले आ सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ। उसके डिटर्मिनेंट्स कैसे थे कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब डिमांड किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, एंड अगेन सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ, सप्लाई किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स को हम स्टडी करें, तो बेसिकली अगर कर्व्स की नॉलेज होगी तो आगे वाले थ्योरेटिकल फॉर्म क्वेश्चंस के बारे में आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। जैसे कर्व फॉर्म है वहाँ पे कि डिमांड कर्व ऐसे आगे मूव कर रहा है, ये आपको मॉड्यूल एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, बट वहाँ वो सिंपली पूछेंगे कि राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व वो किस वजह से आता है, तो अगेन उसके वही आंसर्स होंगे अगर आपने डिटर्मिनेंट्स अच्छे से स्टडी किए होंगे और अगर आपको पता होगा कि शिफ्ट्स या मूवमेंट्स क्यों आती हैं, क्योंकि ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ ये वर्ड होगा राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज़ ड्यू टू व्हाट, अगेन उसका आंसर आ सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या फिर चेंज इन इनकम, थर्ड वुड बी प्राइजेस एंड फोर्थ ऑप्शन वुड बी 1 and 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन का जो आंसर था वो, तो अगेन हम फोर्थ पर टिक करेंगे क्योंकि जो मूवमेंट्स हैं ये राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट मूवमेंट शिफ्ट्स हैं ये इन दोनों चीज़ों की वजह से आती है। एक एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट होता है डिमांड कर्व्स में, वो जब डिमांड अपने ही खुद के एक्सेस पे आगे या पीछे मूव करती है वो होता है ओन प्राइजेस की वजह से। तो कुछ ऐसे रीजंस या कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। अब ये बेसिक्स थे डिमांड एंड सप्लाई के जिसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते थे, दो क्वेश्चंस ये हैं, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, थर्ड कुड बी एग्जम्पशन, एक एग्जम्पशंस हमने पढ़ी हैं डिमांड के बारे में और उसके बारे में भी मॉड्यूल में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि एक गिफ्ट इन गुड्स की बात की गई थी, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल उठा के बात कर रही हूँ। तो अब वो ये पूछ सकते हैं कि ये जो गिफ्ट इन गुड्स का केस है इसको क्या बोला है उन्होंने, तो उसके बारे में और उसको कौन से इकोनॉमिस्ट ने गिफ्ट इन गुड्स की थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है, अगेन उसके भी चार ऑप्शंस होंगे, तो अगर वो दोबारा स्टडी किया होगा प्रॉपर टॉपिक तो हमें ये चीज़ समझ आ सकती है।
फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो है इलास्टिसिटी. ये ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि इसका कुछ भी क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो जाता है. सबसे पहले तो तीन मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड. इलास्टिसिटी अगर हम पढ़ें तो पॉइंट इलास्टिसिटी होता है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, और उसके बाद परसेंटेज मेथड है. तो इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं. और उसके बाद हमने डिग्रीज भी देख सकते हैं. हम मॉड्यूल में हमें मिलती हैं कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या है. फॉर एग्जांपल लेस देन वन, मोर देन वन, व्हेन इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट एंड ज़ीरो, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अब इलास्टिसिटी का एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अगर हमने डिग्रीज पढ़ी होंगी प्रॉपरली कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो सकती है. अगेन मोर देन वन, लेस देन वन, ज़ीरो, इनफाइनाइट एंड इक्वल्स टू वन, तो उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकता है कि इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, वॉट डज इट सिग्निफाइज अबाउट द इलास्टिसिटी. तो अगर आपने पढ़ा होगा कि इलास्टिसिटी में स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कब फॉर्मुलेट होता है, तब इलास्टिसिटी की डिग्री इनफाइनाइट होती है. तो चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से हमें एक के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए. इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आ सकता है इलास्टिसिटी का, एक क्रॉस इलास्टिसिटी. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो गुड्स की इलास्टिसिटी एक दूसरे के अकॉर्डिंगली वेरी करती है, जैसे टी एंड कॉफ़ी की. तो अब उसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि टी एंड कॉफ़ी कि इलास्टिसिटी की मतलब मूवमेंट की वजह से, फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ टी रोज ड्यू टू राइज इन प्राइजेज ऑफ कॉफ़ी. अब वो पूछ सकते हैं कि ये जो इलास्टिसिटी का लिंक है ये किस टाइप की इलास्टिसिटी है. इज इट पॉजिटिव काइंड ऑफ इलास्टिसिटी, नेगेटिव, जीरो इलास्टिसिटी और नो लिंक. तो ये पॉजिटिव काइंड ऑफ इलास्टिसिटी में आते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम मूव कर रही है. अगर एक की डिमांड बढ़ रही है और दूसरे के प्राइजेस, तो ये परफेक्ट एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स थे, तभी इलास्टिसिटीज के आंसर पॉजिटिव आएंगे. अब अगेन यही दोबारा ये चार टॉपिक्स कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब उसकी भी डिटेल नॉलेज होना अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर, उस चैप्टर में यूटिलिटीज एंड इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस किया है. बेसिकली कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच चैप्टर है वो. कार्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटीज मतलब मार्जिनल यूटिलिटीज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी कर सकते हैं, और ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग इंडिफरेंस कर्व. अब इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजीली फ्रेम हो सकते हैं और पेपर में मिलते हैं कि अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं वो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फोकसेस ऑन व्हाट, दैट एट एवरी सक्सेसिव यूनिट एम यू डिक्रीजेज, एम यू इंक्रीजेज, एम यू देर इज नो चेंज इन एम यू, एम यू इज जीरो. तो ऑब्वियसली अगर आपने इस लॉ को प्रॉपरली पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप उस चीज़ को आंसर कर सकते हैं कि एट एवरी इंक्रीजिंग यूनिट एम यू शुड डिक्रीज. या वो पूछ सकते हैं कि कार्डिनल अप्रोच इज फॉर्मुलेटेड बाय होम, तो वो अगेन चार इकोनॉमिस्ट के नाम, तो उसके बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल अल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज़ को फॉर्मुलेट किया था. अब अगेन वो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच वॉज फॉर्मुलेटेड बाय होम, तो उसके भी चार ऑप्शन आ सकते हैं. एक हिक्स का अगर ऑप्शन आ जाएगा तो हम उसको वहाँ पे टिक करेंगे, बट हिक्स के साथ और इकोनॉमिस्ट की भी थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन थी इंडिफरेंस कर्व में, वो अगेन स्टडी करके पता चलेगा. फिर वो आपसे शेप पूछ सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की शेप किस टाइप की है. से फॉर एग्जाम्पल इंडिफरेंस कर्व की शेप कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ अ रीजन है, उसका रीजन पूछ सकते हैं कि वाई इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स. अगेन चार ऑप्शन, ड्यू टू MRS, ड्यू टू MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगेन कुछ और दे सकते हैं, इसके बाद ऑप्शंस दे सकते हैं, ड्यू टू रिसोर्सेज, कार्स, कुछ भी वो वेग से ऑप्शंस भी आ सकते हैं. बट अगर अगेन कंसेप्ट की नॉलेज हो तो हम इसमें बता सकते हैं कि कन्वेक्स शेप इज़ ड्यू टू MRS. फिर किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में ऑफ इंडिफरेंस कर्व वो पूछ सकते हैं बहुत क्लियरली कि चार पांच प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से एक के बारे में पूछ लिया. अब मैं अगर यूटिलिटी वाले क्वेश्चन पे मूव करूँ तो उसमें ये भी आ सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, वॉट विल हैपन. इसमें वो चार ऑप्शंस दे सकते हैं कि ईदर द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर, क्योंकि अभी उसकी यूटिलिटी ग्रेटर है, कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम एनीथिंग, ही विल कंज्यूम लेस, कुछ भी टाइप के ऑप्शंस इसमें पूछ सकते हैं. तो इसमें भी फोकस हमारा इसी चीज़ पे जाएगा. अगर आपने पढ़ा होगा कि यूटिलिटीज़ अगर इस फॉर्म में आ रही है क्वेश्चन में कि एम यू इज़ ग्रेटर देन प्राइस, तो ऑब्वियसली ही विल कंज्यूम मोर. ये भी तब पता चलेगा अगर आपने इस चीज़ की परफेक्ट नॉलेज ली होगी और मॉड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी किया होगा. अब ये जो टॉपिक्स हैं बहुत जनरल बेसिस पे कुछ भी आ सकता है, और बेसिकली यही दो टॉपिक्स पे ये वो ज़्यादा फोकस करते हैं. इंडिफरेंस कर्व बेसिकली इसने इकोनॉमिस्ट ने कौन सा दिया है और इनकी अप्रोच कौन सी होती है, लाइक मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच फोकसेस ऑन विच अप्रोच, कार्डिनल और ऑर्डिनल, बोथ, नन ऑफ द अबव, इंडिफरेंस कर्व गिवन बाय होम,
उसके बाद शेप मैंने डिस्कस कर ली इसमें, और कुछ केसेस आ सकते हैं कि किस हिसाब से हो सकता है, या वो ये पूछ सकते हैं इफ़ अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर देन टू कमोडिटीज़ तो उसका इक्विलिब्रियम कब आएगा, तो उसका इक्विलिब्रियम ये चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि ये यही इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, अगर कुछ भी और चेंज करके वो दे रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन तो वो नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन सेम अगर मॉड्यूल नॉलेज है प्रॉपरली। तो क्विकली मूविंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के साथ डील करते हैं, प्रोडक्शन कर्व्स एंड कॉस्ट कर्व्स, ये भी दो पार्ट्स में है चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो अलग से डिस्कस करते हैं पहले प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में। तो अगर मैं प्रोडक्शन वाले पार्ट से देखूँ तो इसमें मेरे पास दो फैक्टर्स आते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू फैक्टर में वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें एक फैक्टर वेरिएबल होता है और एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। कहने का मतलब ये है जब प्रोडक्शन होती है तो एक लैंड फिक्स्ड और एक वेरिएबल होता है लेबर, तो इसमें भी वो किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिटर्न्स टू फैक्टर ऑपरेट इन व्हाट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो जो रिटर्न्स टू फैक्टर है वो शॉर्ट पीरियड का केस है, और रिटर्न्स टू स्केल अगेन ये लॉन्ग पीरियड का केस है, क्योंकि यहाँ पे ऑल द फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग रन में जाके। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिटर्न्स टू स्केल में फैक्टर्स की क्या कंपोजिशन होती है, ऑल आर वेरिएबल, ऑल आर फिक्स्ड, वन वेरिएबल वन फिक्स्ड, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अगेन इसमें यहाँ पे दो केसेस और आगे डिस्कस हो जाते हैं स्केल्स में, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, तो वो इसमें भी कुछ भी पूछ सकते हैं कि जो इकोनॉमीज हैं, जो बेनिफिट्स हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन के, वो किसको मिलते हैं, ऑफ टू अ फर्म, टू इंडस्ट्री और वॉट एवर, क्योंकि अब इकोनॉमीज में भी दो तरह के आगे केस होते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज बेसिकली इसलिए होती है जब खुद की फर्म ही और एक्सपैंड करे, तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लगता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनल इकोनॉमीज आर बेनिफिशियल और बेनिफिटेड टू होम, तो उसका आंसर आ सकता है टू अ फर्म, टू एन इंडस्ट्री, टू अ मार्केट और टू एन इंडिविजुअल। तो ऑब्वियसली इंटरनल इकोनॉमीज का क्या मतलब होता है, वो कुछ ऐसे फायदे जो इंडस्ट्री को खुद, मतलब एक फर्म को खुद ही मिलते हैं क्योंकि उसने अपने टर्म को एक्सपैंड किया, अपने बिजनेस को, तो उसका आंसर फर्म ऑन इज ओन आएगा क्योंकि खुद को बेनिफिट्स आएंगे। अब ये कुछ इस टाइप के जनरल क्वेश्चन हैं, बट अगर प्रोडक्शन की मैं वैसे बात करूँ तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको टीपी, एमपी एंड एपी, इन तीनों चीज़ों के बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों के लिंक से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें वो ये पूछ सकते हैं टीपी इज़ इंक्रीजिंग ओनली टिल, जब वो बोलते हैं व्हेन एमपी इज़ पॉजिटिव, या जब एमपी इज़ फॉलिंग तब तक, या थोड़ा एमपी फॉल भी हो जाए तो भी टीपी तब तक इंक्रीज करता है, या इसमें ये पूछ सकते हैं व्हेन इज़ टीपी मैक्सिमम, व्हेन एमपी इज़ जीरो, व्हेन एमपी इज़ नेगेटिव, नन ऑफ द अबव, व्हेन एमपी इज़ फॉलिंग, राइजिंग, व्हाटएवर। तो अब अगर अकॉर्डिंग टू आपने मॉड्यूल पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि टीपी मैक्सिमम तब है जब एमपी जीरो है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अगेन प्रॉपर डिटेल स्टडी पे डिपेंड करती हैं, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी ज़रूर मिल जाता है कि अगर एक में ऐसा इफेक्ट आ रहा है तो दूसरे में क्या होगा। ये कुछ प्रोडक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अब इसी का कॉस्ट जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर का उसके बारे में ही आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो टाइप ऑफ कॉस्ट अगेन उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे पहले इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं, उसकी नॉलेज, इसका बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है अ फार्मर इज ऑपरेटिंग लेबर फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ही इज हायरिंग लेबर फ्रॉम द मार्केट, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इज ही इनकरिंग, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोथ नन, तो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्यों, क्योंकि अगर वो बाहर से कोई चीज़ बुला रहा है अपनी प्रोडक्शन को करने के लिए तो वो बाहर पैसे पे हो रहे हैं तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, या से फॉर एग्जाम्पल कुछ भी वो कह सकते हैं अ टीचर इज यूजिंग हर ओन हाउस टू टीच, तो फिर उसमें वो कौन सी कॉस्ट है या कौन सा रेंट है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट आएगी क्योंकि वो खुद के ही घर में पढ़ा रही है तो वहाँ उसमें खर्चा बाहर नहीं जा रहा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं। कॉस्ट को और डिस्कस करते हैं तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आते हैं एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में कुछ तीन चार टाइप के कर्व्स हैं, तो उसका ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तीन चार ऑप्शंस लिख दी, एमसी कर्व, अगेन उसके बाद एवीसी, एएफसी एंड एसी, विच आउट ऑफ द फोर कर्व्स इज नॉट यू शेप्ड। अगेन आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये जो तीन कर्व्स हैं ये यू शेप्ड हैं, उनके रीजंस भी बाद में डिस्कस किए जाते हैं मॉड्यूल्स में, बट एक ही ऐसा कर्व है जो इन चारों में से यू शेप नहीं है, वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करेगा अगर आपने चारों कर्व्स की प्रॉपर नॉलेज ली होगी, या वो उसमें आपसे सिंपली ये पूछ सकते हैं कि टी सी इज इक्वल्स टू टी एफ सी प्लस वॉट,
मतलब दो चीज़ें ऐड करके टोटल कॉस्ट फॉर्मुलेट होती है. तो यहाँ वो सेकेंड ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए वी सी, टी वी सी, थर्ड कुड बी एम सी एंड फोर्थ कुड बी ए सी. बट इसका आंसर अगेन अगर आपने प्रॉपरली स्टडी किया होगा तो टी वी सी इसका आंसर आएगा. रीज़न बीइंग क्योंकि टोटल कॉस्ट फॉर्मुलेट उससे होती है. अब इसका ये सब कुछ एक बाय क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि अगर आप मॉड्यूल स्टडी कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से करें क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे. और अब अगर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात करें तो वो सिंपली अगर हम बोलें तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स अगर ऐसे हैं तो वो डिपेंड किस पे करते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स ऑफ अ टाइम पीरियड. तो उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं. ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मतलब समेशन ऑफ मार्जिनल कर्व्स, समेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व्स, कुछ भी करके क्वेश्चन आ सकते हैं. तो अगर वही अगेन डिटेल स्टडी हुई तो पता चलेगा जो ये लॉन्ग रन कर्व है एवरेज कॉस्ट कर्व, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से ही बनता है. तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं. अब इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपरली देखें तो कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कभी कभी आ सकता है कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और यहाँ वैल्यूज़ फिल की हो बट कुछ बीच में से मिसिंग छोड़ी हो और आपसे पूछा हो कि इस यूनिट की बताओ. जैसे फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड एट ऑल द यूनिट्स. हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो है कॉस्ट पहले इंक्रीज डिक्रीज का कुछ चक्कर होता है इसमें. अब वो ये इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि टेल द टोटल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट. तो आपको चार ऑप्शंस होंगी, आपको खुद पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट कैसे निकलती है इन दोनों को ऐड करके. अब अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे एवरेज कॉस्ट के बारे में तो अब वो कैसे डराइव होगी, अब वो इतनी क्विकली इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता. बट फर्दर अगर आप चाहें इसकी प्रॉपर नॉलेज के बारे में कि किसको कैसे ऐड करके या किसको किस हिसाब से डिवाइड करके किसकी वैल्यू आती है, तो मैं फर्दर वीडियोज पोस्ट करके और अच्छे से डिटेल्स में ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी. तो आप वीडियोज़ को अगर फॉलो करें मेरी अपकमिंग और वीडियोज़ को चैनल पर तो आप. अब ये तो हो गया उनके लिए जो थोड़े न्यू बिगनर्स हैं, बट अगर मैं इसी को और थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने देखा टोटल वेरिएबल फिक्स्ड को ऐड अप करके टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं. तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द एवरेज कॉस्ट फॉर द थर्ड यूनिट, तो अगेन वो कैसे निकलेगी अगर आप पहले टोटल वेरिएबल एंड टोटल फिक्स्ड फॉर द थर्ड यूनिट को ऐड करेंगे. से फॉर एग्जांपल 20 आया तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. फॉर एग्जांपल 20/3 क्योंकि उन्होंने थर्ड यूनिट का पूछा है तो इस हिसाब से एवरेज कॉस्ट निकल सकता है उस यूनिट का. अब ये कुछ इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड रेवेन्यू कर्व्स के बारे में डिस्कस करता है. वो थोड़ा डिटेल चैप्टर है क्योंकि उसमें हर चीज़ डिस्कस की गई है. पहले तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्लस उनके इक्विलिब्रियम्स और फिर रेवेन्यू कर्व्स, उसके बारे में भी 100% डिस्कस किया गया है. उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन के बारे में भी डिस्कस किया है. अब इसका ही क्विकली एक एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि क्या टाइप का क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकता है. अब वो इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर आपने पढ़ी है, इसका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट व्हाट इज़ द ऑप्टिमल सिचुएशन, कि जब आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट आप देखते हैं आपका एक्वायर करें तो उसकी क्या सिचुएशन होती है. वेयर एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, अगेन सेकेंड कुछ भी, एम सी इज राइजिंग, थर्ड वुड बी एम आर इज लेस देन ग्रेटर देन एम सी, कुछ भी, एंड फोर्थ 1 और 2. तो इसमें अगेन आप 1 और 2 को टिक करेंगे क्योंकि अगर अगेन एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्रॉपरली पढ़ा हो स्टडी किया हो तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ दो चीज़ें हैं जो अगर फोकस हो जाएं तो प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन पर रीच करता है. अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं, उसके क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आ सकते हैं कि चार टाइप ऑफ फॉर्म्स है अगेन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, लास्ट इज ओलिगोपोली. ये चार टाइप ऑफ फर्म्स के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं. एक क्वेश्चन जो बेसिक बनता है वो ये हो सकता है कि अ फर्म इज सेट टू बी अ प्राइस टेकर, कि एक फर्म प्राइस टेकर फर्म है बिकॉज ऑफ व्हाट, उसके कुछ रीजंस दिए जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ होमोजेनियस गुड्स, फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बोथ एंड नन ऑफ द अबव. तो अगेन वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर है तो आ सकता है. और एक और आ सकता है क्वेश्चन, डैश फर्म is known as price taker firm. तो उसके बाद भी आपके पास चार ऑप्शन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली. अगेन डिटेल स्टडी है तो प्राइस टेकर फॉर्म वो हुई जो प्राइजेस को अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस अडेप्ट कर लेती है, तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. या डैश फॉर्म, अगेन सेम क्वेश्चन आ सकता है, इज नोन एज प्राइज मेकर.
तो प्राइस मेकर कौन होता है, जो अपने प्राइजेस खुद बनाता है, वो मोनोपोली उसका आंसर हो सकता है. अब एक और चीज़ हो सकती है कि डिमांड कर्व्स सबके डिस्कस किए जाते हैं मॉड्यूल में प्रॉपरली, कि हर एक मार्केट का अपना अपना डिमांड कर्व है, किसी का इक्वल्स टू वन है, किसी का लेस देन वन, मोर देन वन. ऑलिगोपॉली की एक फॉर्म ऑफ मार्केट है जिसको हम डुओपॉली फॉर्म कहते हैं, तो उसका डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं हो सकता. फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तीन चार फीचर्स लिख दिए जाएंगे किसी मार्केट के और वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इज इट. या अगेन एक एग्जांपल के नाम पे भी पूछ सकते हैं कि रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट, तो अगेन वो मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट की एग्जाम्पल है. तो ये चीज़ भी डिटेल नॉलेज से क्लियरली समझ आएगी. मूविंग ऑन टू थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसी चैप्टर में कवर होता है, रेवेन्यू कर्व्स जो हैं, अगेन वो हर मार्केट के अपने अपने होते हैं. परफेक्ट कॉम्पिटिशन का रेवेन्यू कर्व अलग होता है, वेयर एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, या कुछ भी एवरेज कॉस्ट प्राइजेज रेवेन्यू सेम होते हैं. पर उसके बाद मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक का अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगेन डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कर्व्स की, कि वो कर्व्स कैसे फॉर्मुलेट होते हैं. फिर रेवेन्यू अगेन थ्री टाइप्स, टी आर, एम आर, ए आर, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अगर वो आपसे पूछें कि अगर कर्व्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो है, अगर रेवेन्यू कर्व्स आर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट, कि ये वाला कर्व या ये वाला कर्व, ये टी आर कर्व हो गया, ये एम आर एंड ए आर कर्व हो गया, ये कौन सी फॉर्म का कर्व है, कौन सी फॉर्म के ये रेवेन्यू कर्व्स हैं, तो अगेन ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर्म के रेवेन्यू कर्व्स हैं, इसकी नॉलेज होना भी अगेन बहुत ज़रूरी है. कुछ इसके टेक्निकल टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो भी अगेन अगर आप आगे और वीडियोज़ को फॉलो करेंगे तो और डिटेल्स में हम डिस्कस कर सकते हैं आफ्टर एक्सप्लेनेशंस. अब मूविंग ऑन टू द थियोरेटिकल पोर्शन, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे था. अब अगर मैं एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हैं जो कंक्लूड करता है इस पोर्शन को, वो है इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक चैप्टर फॉर्मुलेट होता है और एक हमारा बैंकिंग सिस्टम के बारे में चैप्टर आता है. तो इसके मैं पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिख देती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं. तो अगर मैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के बारे में देखूं, तो इसके बारे में तो फुल नॉलेज होनी चाहिए. अगेन पूरा मॉड्यूल अगर आप स्टडी करें तो ही आपको पता चलेगा, बट बेसिकली इसके बहुत ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं पेपर में, कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं. एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि 50-60% पीपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कंट्री आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कि मतलब 50-60% लोग अगर किसी कंट्री के एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो किस टाइप की कंट्री है, अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग, डेवलप्ड कंट्री, नन ऑफ द अबव. तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है कि अगर 50-60% लोग किसी कंट्री के एग्रीकल्चर में फोकस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है. इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हैं. अगेन कुछ ट्रेड के बारे में आ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हमारे पहले टाइम के ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर 1950s के बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ कंट्री. अगेन वही वाला क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग जो डिपेंड करते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ कंट्री में होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री का फीचर है. तो ये बहुत जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे जो इंडियन इकोनॉमी का एक मॉड्यूल है, उसको आपको थरली एक दो बार अगर आप रीडिंग करेंगे तो प्रॉपरली इसके आंसर्स आप दे सकते हैं. मूव करते हैं अब हम बैंकिंग सिस्टम और मनी के कुछ फीचर्स के बारे में क्वेश्चन. तो अगेन मनी वाले टॉपिक में आपके पास कुछ डेफिनेशंस ऑफ मनी है, उस पर फोकस करें. फॉर्म्स ऑफ मनी है, जैसे वो पूछ सकते हैं M1 कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, वैसे M1 इज C प्लस DD प्लस OD. तो अब आपसे चार ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि M1 के अंदर क्या क्या होता है. चार ऑप्शंस कुछ भी आ सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि M1 जो है वो मनी सप्लाई का फीचर, उसमें क्या क्या चीज़ कवर होती है. अगेन डेफिनेशंस ऑफ मनी कवर करें प्रॉपरली, फिएट मनी, फिडिशरी मनी, ये कुछ टाइप्स ऑफ मनी है जो डिस्कस किया हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकते हैं. बैंकिंग सिस्टम पे चलें तो दो पार्ट्स में है, RBI और कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं. RBI के बारे में वो और डिटेल में पूछ सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो चार चीज़ें फॉर्मुलेट की थी, CRR, LRR, उसके बाद वो बोल सकते हैं बैंक रेट, फिर एक दो फीचर्स वो और से, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं. इसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं या क्वांटिटेटिव हैं. तो अगेन ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं. या दो और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये RBI यूज़ करती है जब उसको अपनी इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना या कम करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. एक चीज़ और आ सकती है ट्रू फॉल्स फॉर्म में, कि RBI यूजेस सच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन दिस कंट्री, इज दिस सिचुएशन ट्रू और फॉल्स. तो ये ट्रू है, क्योंकि अगर RBI को अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन नहीं चाहिए तो वो कुछ ऐसे टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है. कमर्शियल बैंक के अगेन आपके पास फीचर्स हैं, टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं. अगेन एक लास्ट टॉपिक जो इसके अकॉर्डिंग आता है ई बैंकिंग का,
थियोरेटिकल पोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, उसके कुछ बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में भी अगर डिस्कस करें तो बहुत कम्प्लीटली समझ सकते हैं कि किस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। दो कुछ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब जो ऐड हुए हैं इसके अंदर, वो एक हमारे पास GST एक्ट के बारे में आ गया और एक डीमोनेटाइजेशन के बारे में। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी स्टडी करके जाएं प्रॉपर्ली, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं और वो पुट ऑन कर सकते हैं, क्योंकि GST एंड डीमोनेटाइजेशन कुछ न्यूली इवॉल्व्ड टॉपिक्स हैं तो क्वेश्चंस पुट ऑन किए जा सकते हैं। मोर ओवर अब ये सारा टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट के बारे में था, पार्ट ए था इकोनॉमिक्स का। अब पार्ट बी जो है वो स्टेटिस्टिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें अभी बस यही कंक्लूड करते हैं कि अगर यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप स्टडी करें तो आप बहुत प्रॉपरली अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं, और मॉड्यूल स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद जो भी अगर आपको फर्दर कुछ भी हमसे समझना हो किसी भी मॉड्यूल के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो फर्दर वीडियोज़ को आप फॉलो करें, उससे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। थैंक यू।